उसमें हम ये देखें कि बीजेपी ने जब ये देखा कि उनका करप्शन जो है वो उनको बहुत बदनाम कर रहा है, उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और हिजाब का मामला जो है वो बहुत जोर शोर से आया। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कि हिजाब के मामले में मुस्लिम लड़कियों ने ये कहा कि अगर हमको हिजाब की इजाजत नहीं दी गई तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे, तो बीजेपी ने कहा कोई बात नहीं आप पढ़ाई छोड़ दीजिए लेकिन हम आपको हिजाब की इजाजत नहीं देंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था वहां पर। और फिर वो मुस्कान की वीडियो तो आपको याद ही होगी कि किस तरह से एक अकेली लड़की को हरास करने की कोशिश की गई और किस तरह से उसने रेसिस्ट किया, वो तो सारी दुनिया में मशहूर हो। इसके अलावा ये एक अकेला मुद्दा नहीं था। 2022 में बीजेपी ने जो है वो रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ एक कानून बनाया और बहुत सख्ती कर दी कि अगर कोई आदमी अपना धर्म बदलता है, धर्म परिवर्तन करता है, तो उसको जो है बहुत जो है वो परेशान किया जाएगा। तो इससे भी मुसलमान जो है वो थोड़े से परेशान हुए और बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई कि साहब हम जो है वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो कैटल्स का ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में सख्त कानून बनाया गया और लोग गाड़ियों को रोकना और उसमें जो है वो गाय के बारे में मशहूर करना, लोगों पे हाथ डालना। एक तो ऐसी गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा गया जिसके अंदर कोई जो है वो पशु नहीं था, लेकिन ये कि जो सरकार का समर्थन था तो ये सब होता रहा। फिर जो है वो हलाल बैन का मामला पूरे भारत में कहीं नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश जो बहुत सांप्रदायिक स्टेट माना जाता है वहां भी हलाल कोई इशू नहीं है। आसाम जहां पर के शर्मा जी की सरकार है वहां भी नहीं है, लेकिन ये कि कर्नाटक में ये इशू उठाया गया। इसी तरह से आप ये देखते हैं कि जो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन था वो उनसे छीन लिया गया और कहा गया कि आप जो है वो 10% EWS का ले लो। लेकिन इसके साथ बीजेपी ने एक और पॉलिटिक्स किया, उसने वो 4% को लेके जो है वो वोक्का लीगा और लिंगायत में बांट दिया। तो ये जो अपीजमेंट तुष्टिकरण का गेम, डबल गेम, यानी कुछ लोगों को खुश करना और कुछ लोगों को नाराज करना, ये खेल भी जो है वो बीजेपी ने वहां पर खेला। तो अब इस सिचुएशन में आप ये देखें कि कांग्रेस ने पहली बार बहुत दिनों के बाद 2014 के बाद एक फर्म स्टैंड लिया, यानी गोल मोल बातें जो आमतौर से कांग्रेस करती थी वो इस बार नहीं की गई, बल्कि साफ साफ ये कहा गया कि हम सत्ता में आएंगे तो ये रिजर्वेशन को जो है वो बहाल कर देंगे। और उसने इस बात की परवाह नहीं की कि इसकी वजह से कौन नाराज होता है और कितना वोट कम होता है, एक सैद्धांतिक स्टैंड। इसी तरह से उसने ये कहा कि हिंसा कोई भी करे, PFI करे या बजरंग दल, हम उस पर जो है वो सख्ती से एक्शन। ये जो बजरंग दल का मामला आया इसको बीजेपी ने जो है वो बजरंग बली से जोड़ दिया, हालांकि बजरंग बली का बजरंग दल से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये कि खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप वोट डालते वक्त बजरंग बली का नारा लगाइए और बजरंग बली को जो है वो कैद करने की कोशिश की जा रही है वगैरह वगैरह, तो इससे बीजेपी सोच रही थी कि उसको फायदा होगा, लेकिन उससे उल्टा उसका नुकसान हो गया। हुआ ये कि इससे पहले जो मुस्लिम वोट्स थे वो दो हिस्सों में बढ़ जाते थे, कुछ JDS की तरफ चले जाते थे और कुछ जो है वो कांग्रेस की तरफ आ जाते थे, और इस बंटवारे का बीजेपी को फायदा होता था, बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो बीच में से निकल जाता था। लेकिन जब इन्होंने जो है वो इस तरह से इस कार्ड को खेला तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों ने ये सोचा कि अब ये टाइम है कि इसमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को अपना वोट जो है वो बंटने नहीं देना चाहिए, बल्कि हमको एक साथ मिलकर के किसी एक पार्टी को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो उन्होंने जो है वो दोनों में से कांग्रेस और JDS में से कांग्रेस को पसंद किया और कामयाबी भी हासिल की। उसकी वजह से उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो जो टेक्टिकल स्ट्रैटेजी थी वो उनके काम आई। इसके नतीजे में JDS का नुकसान हुआ, लेकिन ये कि बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बीजेपी को एक ऐसी नाकामी मिली, ऐसी शिकस्त मिली कि जिसको वो आसानी से भुला नहीं सकेगी।